तो उसे जहां पर चुनाव से पहले यूपी में बन सकता है नया गठबंधन, गठबंधन की अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं। ओवैसी की पार्टी मुख्य घटक दल बनाई जा सकती है। इसी हफ्ते स्वामी के नेतृत्व में गठबंधन का ऐलान होगा। AIMIM पीस पार्टी, आजाद समाज पार्टी इसमें शामिल होगी। सपा कांग्रेस से नाराज दल गठबंधन से जुड़ सकते हैं। तो देखिए, बताया जा रहा है कि सपा कांग्रेस से नाराज दल अब एक नया गठबंधन बना सकते हैं। AIMIM पीस पार्टी, आजाद समाज पार्टी इसमें शामिल होगी। तो देखिए, चुनाव से पहले यूपी में अब एक नया गठबंधन बन सकता है। ये बड़ी खबर सामने आ रही, गठबंधन की अगुवाई स्वामी प्रसाद मौर्य कर सकते हैं। तो कहा जा रहा है कि देखिए, लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एक और नया गठबंधन बन सकता है। ओवैसी की पार्टी मुख्य घटक दल पार्टी बना सकती है। गठबंधन नया हो सकता है। इसी हफ्ते स्वामी के नेतृत्व में गठबंधन का ऐलान भी किया जा सकता है, जिसमें AIMIM पीस पार्टी, आजाद समाज पार्टी शामिल होंगी। तो देखिए, वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम तरह की तैयारियां भी की जा रही हैं। तमाम पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हो। इसी बीच कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन हो सकता है। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, देखिए, अब कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक नया गठबंधन बनने वाला है। देखिए बिल्कुल नंदनी, ये देखा जा रहा है कि जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी से जो नाराज नेता हैं, या फिर जिनको वहां पर सीटें नहीं मिली, या जिनको वहां पर प्रमुखता से वहां पर उनका अपना जो भी कामकाज है वो देखने का मौका नहीं मिला, ऐसे लोग जो हैं, देखिए अगर बात करी जाए स्वामी प्रसाद मौर्य, सबको पता है कि अभी समाजवादी पार्टी से उन्होंने इस्तीफा दिया था, कई बार नाराजगी भी सामने आई थी। ये और ओवैसी की जो पार्टी है यानी AIMIM, ये एक गठबंधन बनाने की इनकी जो चर्चा है वो तेज चल रही है यूपी में, यानी एक नया गठबंधन लोकसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। और इस गठबंधन की जो अगुवाई है, देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य करेंगे, ओवैसी की जो पार्टी है वो इसमें मुख्य घटक दल के रूप में काम करेगी। और ये बताया जा रहा है कि इस हफ्ते ही स्वामी प्रसाद मौर्य के नेतृत्व में गठबंधन का ऐलान किया जाएगा। इस गठबंधन में AIMIM पीस पार्टी, आजाद समाज पार्टी भी शामिल हो सकती है। तीनों दल के जो शीर्ष नेता है उनसे बातचीत चली, और उसी के साथ साथ ये जो गठबंधन है प्रदेश में उन सीटों को चिन्हित कर रहा है जहां इन दल के नेताओं का वहां पर अच्छा प्रभाव है, वोट बैंक है। और उसी के साथ साथ सपा और कांग्रेस में जिनको सीटें नहीं मिली हैं उनसे नाराज नेता, और वहीं पर जो इनसे नाराज गठबंधन के लोग हैं वो भी इस गठबंधन में जुड़ेंगे। सभी को देखिए पता है कि 2022 के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें हम, तो AIMIM ने करीब 100 सीटों पर अपने जो उम्मीदवार उतारे थे, तो ये देखा जा सकता है कि मुस्लिम बहुल इलाकों में प्रत्याशी उतारने की वजह से देखिए समाजवादी पार्टी को भी जो है वो काफी नुकसान झेलना पड़ा था। तो अब ये दिलचस्प है कि ये जो नया गठबंधन है, देखिए ये किस तरीके से समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाएगा। कांग्रेस पार्टी कहीं ऐसा तो नहीं पल्लवी पटेल भी इस गठबंधन में शामिल हो जाए, क्योंकि तमाम इस दौरान गठबंधन जो है वो सपा से भी टूटे थे, कांग्रेस से भी कई लोग जो है वो नाराज चल रहे थे कि उनको टिकट नहीं दिया गया है। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि इस गठबंधन का क्या नाम होगा, और उसी के साथ साथ इस गठबंधन को किसका किसका सहयोग मिलेगा। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।